ओम श्री साईनाथाय नमः। कहते हैं कि जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो कोई चाह कर भी हमारा बुरा नहीं कर पाता। कोई हमारा कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कोई हमारा कितना ही बुरा क्यों ना चाहता हो, हमें मार ही डालना क्यों ना चाहता हो, लेकिन जाको राखे साईयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगवैरी होए। क्योंकि जब तक भगवान हमारे साथ है तब तक हमें कोई ना नीचा दिखा सकता है और ना हमारा बुरा कर सकता है। हमें जो मिलना है वो मिलकर रहेगा। तो ऐसे कई बार हमें ना साइंस भी मिलते हैं, मतलब संकेत मिलते हैं हमें भगवान की तरफ से, कि वाकई हमें लगता है कि बाबा हमारे साथ हैं तभी हम इस चीज़ से बच पाए। लेकिन उसको भी बाबा के भक्त ही महसूस कर पाते हैं, बाकी लोगों के लिए तो बस ठीक है, हमने किया है जो किया है। जो मैं में चलते हैं वो अभिमान अहंकार की वजह से सदा पीछे ही रह जाते हैं, और जो सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़कर चलते हैं फिर भगवान भी उनकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते हैं। क्योंकि भगवान आपसे प्रसन्न है या फिर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो कुछ संकेत आपको पहले से ही मिलने लग जाते हैं, आपको महसूस होने लग जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग हर पल भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है ना, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। कभी भी या फिर जीवन में कुछ होने वाला है तो कुछ संकेत आपको पहले से ही आभास करा देते हैं कि ऐसा होगा। ये मुझे होता है, पता नहीं आप लोगों को होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। कहा जाता है कि लोग हर पल जो भगवान को याद करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है और जो परोपकार में जिनका जीवन व्यतीत होता है, उन पर भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। ईश्वर आपके साथ है, इसे लेकर कुछ संकेत हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरी लाइफ में हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी थे तो जो मैंने फील किया है अपनी लाइफ में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो वीडियो पूरा सुनिएगा, जिससे अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ये समझ जाइए कि बाबा हमेशा आपके साथ ही होते हैं। अब मेरी एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारी नॉर्मल लाइफ में डेली होता है और डेली हम फील भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, तो भविष्य में, इन फ्यूचर, भविष्य में होने वाली जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं या फिर होने वाला जो होता है उसको लेकर ना कई बार हमारे मन में ना ऐसा ख्याल आ जाता है कि नहीं, ये काम गलत है, अगर हम ये करेंगे तो शायद हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन कई बार हम लालच में आकर उस काम को कर डालते हैं और बाद में उसका जो हमें परिणाम भुगतना पड़ता है वो हम बहुत दुख होता है ना, कि काश हम पहले मान जाते। तो ऐसे लोगों के साथ भगवान होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी सुनते हैं, वो संकेतों को नहीं समझते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर के आपके मन में कुछ ना कुछ आभास होने लगता है जब आप भगवान का ध्यान करते हो, भगवान को मानते हो, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होता है। वो कहते हैं थोड़ा रुक जा, थोड़ा सब्र कर ले, लेकिन हम कहाँ मानने वाले, हमें तो बस खुद का भला दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि नहीं भगवान ऐसे लेट हो जाएगी, लेकिन उस लेट के चक्कर में हम अपना और नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, कई बार रुक जाना बेहतर होता है, ज़्यादा भागम भाग में काम खराब हो जाता है, रुक कर काम करोगे तो अच्छा ही होता है। जिन पर भगवान की कृपा होती है ना, वो चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह लोग इज्जत देते हैं बिना मांगे, क्योंकि इज्जत सम्मान मांगा नहीं जाता, ये कमाया जाता है, तो ये उनको मिलती है क्योंकि वो उस चीज़ के काबिल हैं, डिज़र्व करते हैं वो उस चीज़ को। अगर आपको अपनी मेहनत से किए गए कार्यों में सफलता मिलती है, आप किसी का अच्छा करते हो, आपको खुशी मिलती है, तो भगवान है आपके साथ। क्यों सोचते हो भगवान ऐसे थोड़ी ना सामने आते हैं, भगवान हर रूप में है। आपको खुश देखकर जब आप खुश होते हो तो समझो भगवान आपके साथ हैं। कहा जाता है कि जो लोग हमेशा साधारण रहते हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं, दिखावा नहीं करते, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनसे भगवान बहुत खुश होते हैं। जो लोग पवित्र हृदय के होते हैं ना, मतलब जिनका दिल साफ होता है, जिनके मन में कपट नहीं होता, वो लोग जुबान से थोड़े शायद कड़वे हों लेकिन दिल से उनका दिल एकदम साफ होता है। वो जुबान से कई बार हो जाता है, कुछ लोगों का बोलने का जो व्यवहार, उनका तरीका होता है वो थोड़ा गलत होता है, लेकिन उनका दिल एकदम साफ होता है, और ऐसे लोग भगवान को बहुत प्यारे हैं। जाने अनजाने में किसी का कभी अपमान नहीं करते ऐसे लोग,
क्योंकि उनको दुनिया से लगे न लगे लेकिन भगवान से ज़रूर डर लगता है। वो अपने भगवान को निराश नहीं करना चाहते, इसीलिए उन लोगों पर कृपा भगवान की बनी रहती है। जिनका जीवन परोपकार में बीतता है, जो अच्छे काम करते हैं, उन पर भी भगवान की कृपा रहती है। जिनका स्वभाव मधुर होता है, विनम्र होता है, जो लोगों के साथ कभी गलत नहीं करते, उनके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा रहती है। भगवान उनका साथ छोड़कर तो जा ही नहीं सकते, या फिर यूं कहें कि भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। भगवान को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अगर सपने में लगातार हम लोग बाबा को देखते हैं, शिरडी देखते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं, तो समझिए कि बाबा हमारे साथ हैं। वरना शिरडी साईं का नाम, श्री साईं सचरित्र, ये तब तक हम नहीं देख सकते जब तक बाबा की कृपा दृष्टि नहीं होती, जब तक हमारे शुभ संस्कार नहीं होते ना पिछले जन्म के, तब तक हम नहीं देख सकते। बाबा का नाम भी हम उनकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते। इसलिए अगर आप ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, तो समझ लो कि साईंनाथ आपके बिल्कुल साथ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी अच्छे काम को गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाता है ना कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, है ना, और आप निर्णय ना लें, आप रुक जाएं, तब भी भगवान आपके साथ है। क्योंकि आप नहीं रुके, आपको मालिक ने रोक दिया कि यहीं पर ठहर जाओ, आगे दिक्कत बढ़ सकती है। इसीलिए अपने भगवान को हमेशा अपने साथ समझो, क्योंकि वो होता है जो हमें बचा लेता है। कई बार हम रास्ते पर गिर जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन हमें बिल्कुल छोटी सी खरोंच आती है, हमें ज़्यादा चोट नहीं लगती, तो उस वक्त भी भगवान आपके साथ होता है। क्योंकि उस वक्त ना जाने क्या हो सकता था, हमारी जान भी जा सकती थी। और एक जान से लोग कहते ना कि मैं मर जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वो लोग स्वार्थी होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, सेल्फिश होते हैं वो लोग जो ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि मुझे सुसाइड करना है। क्योंकि वो सिर्फ अपनी सुख के बारे में सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उनके पीछे उनका पूरा परिवार है, उनके पीछे उनके माता पिता, बच्चे, उनका जो फैमिली है, जिन्होंने जिनकी शादी हुई होती है, वो कई बार ऐसे काम कर लेते हैं। तो ये कोई अच्छे काम नहीं है, इनसे दूर रहिए। ऐसा सोचना आपका स्वार्थ सबको दिखाना है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे। और जो परिवार को लेकर के जीता है, मालिक उससे हमेशा खुश रहता है। भगवान ये नहीं कहते तुम अपने परिवार को दुखी करके मेरी पूजा करो, तुम अपना परिवार छोड़कर मेरे दरबार में बैठे रहो, तुम अपने परिवार को छोड़कर शिरडी आओ, ये भगवान कभी नहीं कहते। भगवान कहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ आओ और खुश होकर आओ, सबको खुश करके लाओ। किसी को दुखी करके ले जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा, किसी को दुखी करके जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा। परिवार साथ हो तो मालिक भी खुश होता है। हम कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, परिवार को छोड़कर भक्ति, ये भगवान मंजूर नहीं करते। साथ लेकर करोगे तो सब अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। आगे आपको कैसी वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।